नोटबंदी को लेकर पूरा देश कतार में है, क्या सियासी दल, आम जनता क्या, लेकिन सबका मकसद तो अलग अलग है। आम जनता अपनी रोज की जरूरतों की खातिर बैंक एटीएम की जा रही रुक कर रही है, पोस्ट ऑफिस जा रही है, तो वहीं सियासी दल अपनी सियासत चमकाने के लिए सड़कों पर आ गए। सदन में संग्राम है, सरकार कालेधन पर लगाम लगाने के लिए रोज नए नए हथकंडे अपना रही, रोज नए ऐलान हो रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने अपने सांसदों को शनिवार रविवार को जनता के बीच जाने को कह दिया है, क्षेत्र में मौजूद रहने को कहा है और कहा है कि इस फैसले के फायदे जनता तक पहुंचाएं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार की तैयारी अधूरी थी, आखिर में आम जनता है जो अभी भी कतार में है। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए नोटबंदी के 10 दिन के बाद का देश का मूड दिखा रहे हैं। नोटबंदी पर पार्लियामेंट में चर्चा को लेकर भी अजीब स्थिति बनी है। विपक्ष नोटबंदी पर चर्चा की मांग पर अड़ा है, सरकार तुरंत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इन सबके बावजूद चर्चा हो ही नहीं रही क्योंकि सरकार और विपक्ष चर्चा के नियमों को लेकर अड़े। विपक्ष नियम 56 के अंतर्गत मत विभाजन वाले प्रावधान के तहत चर्चा चाहता है, सरकार नियम 193 के तहत चर्चा के लिए तैयार है। अब इन तमाम चीजों के बीच में सदन में तीसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ है। नोट बैन के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक सियासी हंगामा जारी है। वापस जाइए, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक। हम मिनिस्टर इज सेइंग लेट मी लिसन टू दैट, पूरे देश में प्लीज गो एंड सिट डाउन। और आज वही लोग काला धन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। यू आर रेडी फॉर डिस्कशन? कांट डू दैट, नो नो नो। इसको डीमोनेटाइजेशन का मोदी जी ने किया है। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने लोकसभा में शर्म करो के नारे लगाए, जबकि बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर माफी मांगो के नारे बुलंद किए। 2016 के अंदर सरकार ने जनधन के खाते खोले, ब्लैक मनी का कानून लाए और ब्लैक मनी के कानून के बाद 3 महीने का लोगों को नोटिस पीरियड भी दिया कि अगर किसी के पास है तो जमा कराए। और आज वही लोग काला धन से सबसे अधिक प्रभावित है, इसीलिए शायद उनकी चीख पुकार निकल रही है। इसी आजाद जी कमेंट फॉर हिज पर्सनल आर इज द ऑफिशियल लाइन ऑफ द पार्टी, द नेशन वांट्स टू नो टुडे। गुलाम नबी आजाद साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर किसी को आपत्ति हो। मैं बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ, गुलाम नबी आजाद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। दरअसल कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में नोटबंदी की तुलना आतंकी हमले से कर दी थी, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हमारी अपील है कि कांग्रेस पार्टी और ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन देश से माफी मांगे। माफी तो बीजेपी को मारनी चाहिए, देश को किस कगार पे धकेल दिया, इसके लिए तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी की सरकार को, हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। करीब करीब सभी विपक्षी दल नोटबंदी को लागू करने के तरीकों का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का ये भी कहना है कि जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट का इस्तेमाल 30 दिसंबर तक किया जाए। विपक्ष पीएम मोदी से संसद में बयान देने और जेपीसी बनाए जाने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष बहस से भाग रहा है, वो मामले को भटकाना चाहता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तो इस मामले में अपना अड़ियल व तानाशाही वाला जो उनका रवैया है उसको त्याग कर तो देश और जनहित के बारे में उनको सोचना चाहिए। ओनली अपील टू द अपोजिशन, प्लीज कम बैक टू द डिस्कशन, हैव अ मीनिंगफुल डिस्कशन। इफ यू वांट टू कॉर्नर द गवर्नमेंट, इफ यू हैव पॉइंट्स, यू आर वेलकम टू डू इट, बट लेट अस नॉट डिसअपॉइंट द पीपल, लेट अस नॉट वीकन द सिस्टम। तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।
नोटबंदी पर सियासत तो हो ही रही है, बीजेपी कांग्रेस खुलकर आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे, सड़क पर बवाल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर है। गुलाम नबी आजाद के बयान का विरोध कर रहे जिसमें उन्होंने नोटबंदी की तुलना उरी आतंकी हमले से की थी और कहा था कि उरी हमले में जितने लोगों की मौत हुई उससे ज्यादा मौत तो लोगों की एटीएम के बाहर लाइन में लगकर हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता से माफी की मांग कर रहे हैं।